अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। ये जनाब ईद की पार्टी हो रही है, ये इधर बैठे हुए हैं, दोस्त आए हैं, ईद सेलिब्रेशन हो रही है, तो हमने सोचा कि आपके साथ अपनी ईद सेलिब्रेशन शेयर करें और आप भी कमेंट्स में लाजमी मेंशन करें कि आपकी ईद कैसी गुजरी। तो ये जनाब आप देख सकते हैं, ये रेहान ने खुद केक बनाया बहुत अच्छा। किसी दिन ये आपको, ये रेहान ने केक बनाया जी स्पेशल बहुत अच्छा स्ट्रॉबेरीज वाला, ये किसी दिन आपको वीडियो बना के इसकी रेसिपी भी आप शेयर करना व्यूअर्स के साथ इंशाल्लाह जी। और सुनाए जी, कैसी ईद गुजरी है। ईद माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजरी है फैमिली के साथ, इसका मजा ही फैमिली के साथ आता है। सुबह नमाज पढ़ी और फिर फैमिली के साथ ही सारा दिन, और आप दोस्तों के साथ इंजॉय करेंगे। और ये जनाब ये गारा, ये आप देख सकते हैं गार्डन है, और इधर हमने एक छोटा सा टेंट सिस्टम बनाया हुआ है धूप ना लगे, क्योंकि इधर की धूप जो है ना बड़ी जालम किस्म की है। अभी ये हमारे एक और भाई हैं, ये अभी पाकिस्तान से आए हैं, इनसे पूछते हैं जनाब कि फ्रांस में इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और अभी तक इन्होंने क्या फील किया है और कैसी लाइफ है फ्रांस की। अस्सलाम वालेकुम गाइस, फ्रांस में मेरी पहली ईद है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा आया। यहाँ से पता चलता है इनकी पहली ईद है क्योंकि इनके पास पाकिस्तानी सिगरेट अभी तक खत्म नहीं हुए। तो बाकी गाइस कल कुर्बानी होगी, कल भी आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। बाकी तो कुर्बानी तो सही जो है वो पाकिस्तान में ही है, यहाँ पे तो बस हम टाइम पास ही कर रहे हैं। तो चलें जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आप सब की दे अल्लाह जो है इसी तरह ईद कबूल करे, अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी कबूल करे, तो फिर मुलाकात होती है। तो गाइज ये अभी गेम शुरू हो चुकी है खाने पीने और गपशप के बाद, हमने सोचा अब क्या किया जाए, तो इंटरटेनमेंट के लिए इससे अच्छी और टाइम पास के लिए इससे अच्छी गेम नहीं है कोई। तो ये देखें जी, ये भाई ने गोल कर दिए, तो अभी ये थोड़े बहुत ज़रा इसमें शुगल मिला करेंगे, थोड़ी गेम वगैरह खेलेंगे। तो मेरा दिल है मैं भी आज ट्राई करूं इसे खेलने की, कि मैं इतना अच्छा खेलता नहीं हूं यार। तो वैसे ये गेम तो हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, बड़ी शौक से खेली जाती है। तो ये दोनों प्लेयर हैं जी, बहुत अच्छा खेलते हैं ये वाली गेम, ये देखें ना कैसे गोल हो रहे हैं। तो चलें अभी मैं भी ट्राई करता हूँ, इनका मैच ख़त्म हो तो फिर मैं भी ट्राई करता हूँ। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसा खेलता हूँ और ये कैसा खेल रहे हैं। तो बाकी जी बस ईद यहाँ पर इसी तरह गुज़र रही है जी, और अभी शायद थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाएंगे, बाहर भी काफ़ी अच्छा मौसम है, तो ये ज़रा मैच वगैरह ख़त्म हो, तो अभी तो ज़रा धूप है काफ़ी तेज़, तो ये मैच ख़त्म हो तो फिर जाते हैं बाहर भी, देखते हैं ज़रा बाहर क्या माहौल है, आपको भी दिखाते हैं जी हमारा सिटी किस तरह का है यहाँ पे। तो हाँ बस मुँह के साथ भी बाल हिल जाते हैं। ये देखें जी, ये अभी मैं ख़ुद खेल रहा हूँ, मुझे वैसे इतना अच्छा कोई आता नहीं है खेलना, लेकिन चलें टाइम तो पास करना है। तो अभी जाते हैं गाइस बाहर, तो फिर आपको दिखाते हैं बाहर का सीन भी। तो ये जनाब अभी हम आ गए हैं बाहर, ये हमारा सिटी हॉल है, इसे आप काउंसिल हॉल यूनियन काउंसिल, ये है जी जनाब हमारे सिटी का सिटी हॉल है, ये पार्किंग है इसके सामने काफ़ी बड़ी। अभी हम निकले हैं, देखते हैं शायद मैकडोनल्ड की तरफ जाएंगे, तो आज मौसम भी काफ़ी अच्छा था, दिन को भी धूप रही है, कोई बारिश बादल वगैरह नहीं थे, अभी भी मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है शाम को भी, तो देखिएगा आप भी। ये लें जी, तो फिर ये फ़ाइनल डिसीजन यही हुआ जी कि मैकडोनल्ड जाएंगे, वहाँ से कुछ हल्की फुल्की आइसक्रीम या कोई इस तरह की चीज़ लेंगे, तो फिर ज़रा थोड़ा इंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे इधर करीब ही एक दरिया भी है, वहाँ पे जाएंगे शायद। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी आपको दिखाते हैं मैकडोनल्ड भी जब पहुंचेंगे, वो इतना इतना दूर नहीं है, मैकडोनल्ड करीब ही है, तो देखिएगा आप भी। और आप सबको भी एडवांस ईद मुबारक जी। और ये बस अभी हम मैकडोनल्ड पहुंच आए हैं जी, और ये बस पेमेंट वगैरह हो गई है, अभी बस अपना पैकेज लेंगे और बस फिर अल्लाह हाफिज़। और अगर गाइस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और ईद मुबारक।